अथ यत् सम्प्रति मध्यं दिने साउद्गीथस् तदस्य देवा अन्वायत्तास् तस्मात् ते सप्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीथवाजिनो हि एतस्य साम्नाः। अथ यत् सम्प्रति मध्यं दिने साउद्गीथा। अब ये जो मध्यान्ह में आदित्य का स्वरूप है वही उद्गीत है। मध्यान्ह काल विशिष्ट आदित्य दृष्टि उद्गीत में करना है। तदस्य देवा अन्वायत्ता, अस्य आदित्य का इस स्वरूप में देवता लोग अनुगत होते हैं, देवता लोग उनसे उपजीवित है, वो देवता ही उसके अनुगामी होते हैं। तस्मात् इसी कारण से ते सप्तमाह इसलिए वे श्रेष्ठ भी कहे गए। किनमें से? प्राजापत्यानाम, प्रजापति के समस्त सृष्टियों में से देव सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि इसलिए माना गया क्योंकि वह उद्गीत के समान है। जैसे साम के सकल अवयवों में उद्गीत श्रेष्ठतम अवयव है, उसी प्रकार से प्रजापति के सकल प्रकार के सृष्टि योनियों में देव योनि ही सर्वोत्कृष्ट योनि हुआ। क्योंकि ये तस सामना, क्योंकि इस साम का ये ही साम का अवयवता उद्गीत के उपदेशक उपभोक्ता है। अथ यत् ऊर्ध्वं मध्यं दिनात् प्राक् अपराह्नात् सप्रतिहारस् तदस्य गर्भा अन्वायत्तास् तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार बाह्यो हि एतस्य साम्नः। वो लगभग 11 से 1:30 बजे तक का ले लेना मध्यान्ह से, और ये अपराह्न से जो है करीब 1:30 से 4 बजे। अथ यत् ऊर्ध्वं मध्यान्ह से परे मध्यान दिनात् ऊर्ध्वं अपराह्नात् प्राक् अपराह्न से पहले स प्रत्याहार तादृश काल विशिष्ट आदित्य का स्वरूप का दृष्टि से आप प्रतिहार रूपी अवयव में जो उपासना करेंगे तदस्य गर्भा अन्वायत्ताः इस आदि स्वरूप का यह काल विशिष्ट विशेष में गर्भ ही अनुगत होते हैं। इस स्वरूप में अनुगामी कौन है? गर्भ। अतः वे सूर्य के प्रतिहार भक्ति रूप से तस्मात् प्रतिहृता सूर्य रूपी प्रतिहार के कारण से ऊपर की ओर खींचे हुए रहते हैं, नाव पद्यन्ते और गर्भ गिर नहीं जाते। एतस्य इसलिए ही इस साम का युक्त प्रतिहार के उपभोक्ता समस्त गर्भ हैं, ऐसे मानना होगा। दोनों का भाष्य कट्टा लीजिए। अथ यत् सम्प्रति मध्यं दिन ऋजु मध्यं दिन इत्यर्थ विशुद्ध मध्यं दिन विशुद्ध मध्यान्ह काल बादला से गिरा हुआ नहीं लेना। आप तो कुछ लोग कहते रुजु का विशेषण केवल 12 बजे, ठीक 12 बजे ले लेना, और पूर्व काल को 11 तक जो लिए हैं उसको 12 तक कर लेना, और ठीक 12 उसके दो क्षण ऊपर नीचे बस, ज्यादा नहीं। ऐसा भी रुजु शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने विशेषण को लिया है, लेकिन ज्यादा उचित यही होता है कि भाई विशुद्ध मध्यान्ह को लेना, बादला से ग्रसित मध्यान्ह नहीं। वही उत्कृष्ट सूर्य है, उस उत्कृष्ट सूर्य की अपेक्षा सभी के अंदर होता है। साउद्गीत भक्ति ही तदस्य देवता अन्वायता तारश मध्यान्ह दिन काल विशिष्ट सूर्य ही उद्गीत है, अर्थ सूर्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अस्य आदित्य स्वरूपस्य तज्जो वह मध्यान्ह काल रूपा वस्तु में देवा अन्वायता द्योतनाशया तत्काल, क्योंकि उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए विशुद्ध सूर्य लेना पड़ेगा ना, नहीं तो भाष्यकार के वचन कैसे घटेगा। द्योतनाशया कई बार इस समय देखो कितना साफ, अभी बीच अच्छा प्रकाश है, दोपहर के 12 बजे बिल्कुल प्रकाश नहीं रहता, इतना बादल घिर गया काला बादल, तब क्या होगा, इसलिए वो नहीं ले सकते ना। इसलिए द्योतना का भाष्यकार जो दे रहे हैं द्योतनाशया प्रकाश अतिशय को, इसलिए विशुद्ध मध्यान्ह ही लेना चाहिए। उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए देवता लोग उस पर्वत है। देवता भी क्या है? प्रकाश स्वभाव वाले है,
स्वस्वभाव अनुरूप काल उनको मिल गया, इसलिए वह उस काल को उपभोक्ता बन गए। तस्मात् ते सप्तमा, इसलिए ही वे देवता लोग सप्तम है, अर्थविष्टतम है, श्रेष्ठतम है। किनमें से श्रेष्ठतम है? वह प्रजापत्यानाम, प्रजापति अपत्यानाम, प्रजापति विभिन्न प्रकार के जो योनि 84 लाख योनियों में से देव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। उद्गीत बाजरो ही एतस्य साम्नः, इस एतारश आदित्य दृष्टि से संपन्न साम का युक्त उद्गीत का भाग ही देवता लोग होते हैं। अथ यद ऊर्ध्वम मध्यम दिनात, उस मध्यान से ऊर्ध्व काल प्राग अपरान्नात और अपरान से पहले, इसलिए उनका कहना है 12 बजे के बाद और 4 से पहले तक का लेना पड़ेगा, अपरान काल है वो। तो इस काल में जो रूप है यद रूपम स्वितु सब प्रत्याहारा, एतार्ष काल विशिष्ट जो आदित्य का स्वरूप है वह स्वरूप का दृष्टि आपको करना है प्रतिहार में। क्यों? क्योंकि जो है प्रतिहरणादित्य प्रतिहार हो, जब प्रतिहरण करके रखता हुआ खेच करके अपने ओर पकड़ करके रखा हुआ है, गिरने नहीं देता है। हम आते हैं जैसे है, जो गर्भिणी हो गई, चाहे पशु हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो जो भी है, मनुष्य होने का विलंब स्त्री गर्भिणी हो जाती है और उसका घूमने फिरने बना है क्या, लेटे रहना पड़ेगा, खड़ी हो जाए तो गर्भ गिर जाए है, ऐसा तो कभी नहीं होता। सारा काम करते रहते, घूमते फिरते रहते, क्यों गर्भ नहीं गिर गया? वो समय आने पर ही बाहर आता है, वो भी आदित्य आदि वायु आदि की कृपा से विशिष्ट वायु प्रवाह उत्पन्न होता है। अब वो वायु उसको बाहर फेंक देता है, नहीं पैदा होते तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन वगैरह बना रखे हैं। पहले जमाने में कुछ चीजें खिलाई जाती थी, वो खिलाने पिलाने से वायु बंद करके वो बाहर आ जाता था, स्वाभाविक होती थी। तो क्यों पकड़ रखा हुआ है वो? कद इसी कारण से ही, क्योंकि जो उसका प्रतिहारण करने का स्वभाव है, तदस्य गर्वा अनवायता, उस सूर्य के स्वरूप में गर्भ ही अनवायत अनुबद्ध है समझे। अतते सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वम प्रतिहृदाः, इसलिए आदित्य जो है यह अपराह्न काल अपराह्न के पूर्व कालीन मध्यान्होर्ध्व कालीन जो है आदित्य स्वरूप विशिष्ट जो साम है, उसके जो उस साम का स्वरूप क्या है प्रतिहार रूपावयव, उसके माध्यम से ऊर्ध्वम प्रतिहृदाः संतो, ऊर्ध की ओर प्रतिहरण किए होने के कारण नाव पद्यन्ते नाध पदन्ति, इसे नीचे की ओर गिरते नहीं। तद्वारे सत्यपित्यर्थ, यदि निरंतर है का वो द्वार में ही है, निवर भी गिरते नहीं। द्वार क्या होता है? ऊर्ध्वम योनि उपरिष्टा जठरम प्रतित्यर्थ, कहते योनि से ऊपर और जठर प्रदेश के लगभग में हर समय से विद्यमान गर्भ, वास नीचे गिरता नहीं। यदि भी वो रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है, फिर भी वो अंदर है, वो झोली के अंदर पड़ा रहता है, झोली से ही बाहर नहीं आता, समय आने पर आया। यथा प्रतिहार बाजो, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो है प्रतिहार बाजनो ही तो सामनो गर्भा, क्योंकि ये जो गर्भ है जितने भी हैं चाहे किसी भी योनि का गर्भ हो वह प्रतिहार के भागी होते हैं। अर्थ साम कवता प्रतिहार भागी का मतलब की दृश्य प्रतिहार भागी मध्यान्होत्तर अपराह्न पूर्व काल विशिष्ट आदित्या तक प्रत्याहार, मैंने आदित्य दृष्टि से संपन्न सामावय प्रतिहार का उपभोक्ता होते हैं ये समस्त गर्भ, इसीलिए वे गिरते नहीं है। अतः ये दुर्गम अपराह्नात् प्रागस्तमयात् सौपद्यवस तदस्य आरण्यान्वायतास् तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षगं शभ्रमित्युपद्रवन्ती उपद्रव भाजिनो हि एतस्य साम्नः। असयद ऊर्ध्वम अपराह्नात्, अपराह्न काल से जो ऊर्ध्व काल है, और प्राग अस्तमयात् और अस्तमय को प्राप्त होने से पूर्व काल जो होता है लगभग 4 से 6 या 6.5 समझो, सूर्यास्त को 6.5 मान करके 4 से 6.5 ढाई घंटा ऊर्ध्व अपराह्न से ऊर्ध्व काल है वो, और अस्त में से प्राप्त काल है। सौपद्रव तारश कालिष्ट सूर्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप की दृष्टि हमें कहा करना है उपद्रव रूपा सामावय में। तदस्य आरण्यान्वयता सूर्य के स्वरूप में
आरण्य पशु अनुगत, आरण्य पशु कहने से उनको लेना यहाँ, जैसे आपके गीदड़ है कि नहीं, सियार है, सब होते हैं जंगली पशु, गांव में तो पाले नहीं जाते इनको, और ये मनुष्यों को देख करके डरते भी, हवा से भी डरते हैं, ऐसे पशु को लेना जो मनुष्य आदियों से डरने वाले पशु, सिंहादि को नहीं, जो मनुष्यों से डरते बल्कि मनुष्य को खा जाते हैं उनको नहीं लेना है, क्योंकि हेतु देंगे मनुष्य से डरने, डर के मारे ये क्या करते हैं, अपने अपने गुफाओं के अंदर जो भी उतना घर बना हुआ है जहां भी छिपने का स्थान वो जाके छिप जाते हैं, जैसे अब सूर्य भी छिपने की ओर जा रहा है, इसलिए सादृश्यता बन जाता है, इसलिए वो उपद्रव तद अस्य अनवागता अस्य एतारस सूर्य के तत्काल विशिष्ट सूर्य का जो उपद्रव स्वरूप सूर्य है उसी में आरण्यक पशु अनुगत है, तस्मात् ते पुरुषम, इसलिए वे लोग पुरुषम दृष्ट्वा पुरुष को देख करके कक्षगम शुभ्रम, अपना अपना जो कक्ष में गुफा आदि या छिद्रों में उपद्रवंती भाग के एकदम छिप जाते हैं, उपद्रव भाजन ही ये तो सुसामना, क्योंकि जो है वे सब आरण्य के पशु इस साम के उपद्रव रूप अवयव जो भी कीदृश है पूर्व अपराह प्राग अस्तमय काल विशिष्ट आदित्य स्वरूप वाले उपद्रव के ही उपभोक्ता होते हैं, अथ यद दुर्दम अपराह्नात् प्राग अस्तमयात् भाष्यकार कहते हैं स उपद्रव तदस्य आरण्य पशु अनुवायता अर्टिगत पशु इसमें अनुगत ऐसे समझनी चाहिए, तस्मात् पुरुषम दृष्ट्वा भीताः, इसलिए पुरुष को देखकर वे सब क्या हो जाते पशु भयभीत हो जाते हैं, कक्षम अरण्यम शुभ्रम भय शून्यम, अरण्यगत उनका अपना जो कक्ष है अर्थात गुफा आदि, और वे कैसे हैं अपना भय शून्य देश मानते हैं, भले क्षुद्र है फिर भी छिद्र आदियों में घुस जाते, सांप है छिद्र में घुस गया, चूहे हैं अपने उसमें घुस जाते बिल में इत्यादि रूपेण अपना भय शून्य देश विशेष मान लेते हैं और उसे प्रवेश कर जाते हैं, इति उपद्रवंती उपगच्छंती ऐसे वे वो जाते हैं, दृष्ट्वा उपद्रवणात् देख करके वो दौड़े अपने गुफाओं की ओर, इसलिए उपद्रव भाज लो, इसलिए इनका कहा जाता है उपद्रव रूपी अवयव के सब उपभोक्ता है, ये तो सुसाम्रह एतारश सप्ता साप्त भक्तिक साम का अवयवभूता जो उपद्रव के ही उपभोक्ता है, लेकिन वह उपद्रव रूप अवय भी कैसा है कहते हैं तब अपरां से ऊर्ध अस्त में से प्राक कालावच्छिन्न आदित्य स्वरूप से विशिष्ट वह साम अवयव रूप उपद्रव है, तारश उपद्रव के ही वो भागी होते उपभोक्ता होते ये सब, स्वप्रम गर्तम ग्वायावत टीकाकार से स्पष्ट कहते हैं गर्त गड्ढों में छिद्रों में गुफा में ये सब आ गया, प्रथमास्तमिते तन निधनम तदस्य पितरो अनवायतास तस्मात् तान निधराति निधन भाजिरो हि एतस्सामनः एवं खल्वमुम आदित्यं सप्तविदं समुपास्ते, अब यत् प्रथम अस्तमिते पहला अस्त को प्राप्त हुआ काल अने वही 6:30 का ही काल, 6:30 से 7:30 सात तक की बस ज्यादा आगे 2.5 घंटे या नहीं लेना, 6:30 से 8 तक हो जाएगा 2.5 घंटा, नहीं 6:30 से 9 तक 2.5 घंटे का वो नहीं लेने का प्रथम विशेषण सात कहते ऊर्ध्वम अस्तमिते, ऊर्ध्वम अस्तमिते कह देते तब तो हमें 2.5 घंटा लेकर के हम 6:30 से 9 तक भी ले सकते हैं, लेकिन प्रथम अस्तमिते डुबकी लगाए हुआ प्रथम क्षण को ही ले लेना, सूर्य ने डूबा बस वो क्षण, इधर प्रथम विशेषण दे दिए तन निधनम, वो क्या है वो निधन रूप अवयव है, निधनम मने मृत्यु नहीं, निधियते अस्मिन समुद्र में एक तरह से सूर्य को निहित कर दिया गया छिपा दिया गया, भी समुद्र में डूबा नहीं है वो ऐसे दिखाई देगा आपको, अतएव जैसा दिखाई दे रहा उसके आधार पर कह दिया जा रहा है को निहित हो गया छिप गया अंदर डूब गया समुद्र में, ऐसे व्यवहार होता है, अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनम्,
जैसे यहाँ साम का भी समापन होता, उच्चारण की समाप्ति होती है जिस अवय उच्चारण के बाद, और आगे उच्चारण नहीं होता, साम नाम नहीं होता, उस अंत अवय उच्चारण का नाम निधन। उस अंत अवय में दृष्टि क्या करना है, प्रथमास्तमितावच्छिन्न आदित्य के स्वरूप का दृष्टि करना है। तदस्य पितृ अनवयता, सूर्य के स्वर विशेष विशिष्ट निधन रूप अवय में पितर अनुगत होते हैं। अनुगामी कौन है, पितृगण। क्यों, इसलिए ये श्राद्ध काल में उन्हें पितृ पिता माद रूप से दर्भों पर स्थापित करते हैं। तस्मात तान निदधति, इसलिए इनको क्या किया जाता है कि पितरों को श्राद्ध काल आदियों में दर्भ आदि बिछा करके पिंडों को दर्भ पर रखा जाएगा और उनमें उनका आह्वान करके उनको बिठाया जाता है, निहित किया जाता है। निहित होने से उनका नाम निधनम, निधन भाजनो ही एतस सामना हो। इसीलिए एतारश प्रथमास्तमित काल से विशिष्ट आदित्य स्वरूप दृष्टि से जो युक्त निधन रूपी सामावयव के ही यह पितृगण उपभोक्ता होते हैं। एवं खलो, इस प्रकार से अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, इस प्रकार से एतारश तत्त काल विशिष्ट, आप देखो उषा काल, प्रातः काल है कि नहीं, और संगम वेला, उसके बाद मध्यान्ह, हाँ भूल जाते हैं, उसके बाद अपराह्न, फिर सायं, ठीक है, इसलिए सायं कर अस्त को ले सकते हैं। एवं कुल अमुम आदित्यम एतारश तत्त काल विशिष्ट आदित्य स्वरूप की दृष्टि से सप्तविध सप्त अवय वाला यह साम की उपासना करते हैं लोग। अत यत् प्रथमास्तमिते अदर्शनम जिगमिषति, अदर्शनम जिगमिषति माने आधा वाला गया ही है, प्रथमास्तमित का तात्पर्य ही है अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक है, पूर्ण रूपेण अदर्शन भी नहीं हुआ, पूर्ण रूपेण डुबावा भी नहीं लेना और ऊपर रहाव भी नहीं लेना, अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक सवितरी उस सार सविता का दृष्टि तन निधनम किसमें करना, सामयव निधन में करना है। हमें सप्तमंत को द्वितीयांत और जो प्रथमांत को सप्तमंत में लेने के लिए पूर्व में कह चुके हैं, तो सवितरी क्या सप्तरी बोला है, जिगमिषति सवितरी, डूबने के लिए जाने की इच्छुक सविता सूर्य आदित्य का दृष्टि से निधन का जो उपासना करें। तदस्य पितृ अनवायताः, एतारश अवय में पितृगण ही अनुगत है, तस्मात तान निदधति, इसलिए उनको इनको पितृ पिता मह पिता मह रूपेण, उन पितृगण को पिता पितामह प्रपितामह इत्यादि रूपेण दर्भेशो निक्षिपन्ति निदधति, दर्भों के ऊपर उनको निक्षिप्त करके निहित कर दिया जाता है, इसलिए निधन बाजी इनको कहा गया। तांस तदर्थम पिंडान व स्थापयन्ति, उन्हीं को स्थापित करते हैं, या तदर्थम ने श्राद्धार्थम पिंडान व उनके नामों पर पिंडों को स्थापित किया जाता है, स्थापयन्ति स्थापना करते हैं लोग। निधन संबंधात निधन बाद निधन रूप अवय संबंधित होने के कारण से ये सब निधन की उपभोक्ता है, किसके, एतस सामन पितरः, एतारश साम का कौन है वो, पितरः, निधन भागिनो पितरः, निधन भोक्ता है कौन, पितृगण, किसका, एतारश साम रूप निधन रूप अवय का। एवं अवयवशः सप्तदा विभक्तम खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम समुपास्ते, इस प्रकार से अवयवशः सप्तदा विभक्त इस आदित्य को सप्तविध साम सप्तमय वाला साम्य उपासना लोग करते हैं। यह तस्य तदापत्ति फलम इति वाक्य शेषा, यदि यहाँ कोई फल उक्ति तो है नहीं इस उपासना का, तब कहते हैं जो जैसा उपासना करता है उसको वैसे ही तद्देवता भाव की प्राप्ति होती है, पृथक कथन या इसलिए नहीं किया। यह तस्य तदापत्ति फलम, जो उसका जिस प्रकार से उपासना करते हैं अंत तो गत्ता उस देवता का स्वरूप को ही प्राप्त करना, यही उपासना का फल होता है। इति वाक्य शेष, या अकथित वाक्य को अपने आप संग्रह कर लेना होगा। अब मृत्यु आदित्य है, या आदित्य ही मृत्यु भी है,
और उससे अतिक्रमण करना है हमें, अति मृत्यु को प्राप्त करना है, उसके लिए उपासना बताने जा रहे हैं। और रात्रादि काले न जगत प्रमा पवित्र तस्तरणय इदम सम उपासना उपनिषद है। अहोरात्रादि काल के माध्यम से मानो संपूर्ण जगत को नाप दिया है, अर्थात संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीवात्मा के आयु को नापते हुए एक तरह सबके मौत का कारण आदित्य है। यदि आदित्य दिन रात्र पे काल की गणना ही करना बंद कर दें, है आयु को नापेंगे कैसे आप? आयु की नाप नहीं हो पाए तो आप तो जिंदे रह जाओगे सदा सदा। अरे 100 साल पूरा होगा तब ना मरोगे, जो कुछ भी आपकी आयु है 60, 70, 80 उतने पूरा हो वो गिनती होनी पड़ेगी ना, वो गिनती नहीं हुई। सूर्य उगा ही उगे ही रह गया, अस्त हुआ ही नहीं, तो 24 घंटा बीतेगा कैसे? आप गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाएंगे तो आपकी आयु की गिनती नहीं हुई, तो आयु पूरी हुए बिना मौत हो कैसे होगा, मृत्यु भी नहीं होगा। इसलिए आयु की काल रूपी जो है दिन रात रूप काल का नापक नापने वाला कौन है? आदित्य के जो प्रतिगमन गमन प्रतिगमन रूप क्रिया के माध्यम से ही अहोरात्र भी काल की गणना होता है, तद द्वारा आपकी आयु गणना हुई और आपकी आयु गणना के माध्यम से आपके शरीर का मृत्यु का निश्चय हो गया। अतएव परंपराया इस शरीर आदियों की मृत्यु का कारणीभूत हो कौन हुआ? मुख्य रूपेण आदित्य ही है, इसलिए कहे आदित्य हो वही मृत्यु हो, आदित्य ही मृत्यु रूप है। उससे भी परे होना है, नहीं तो आप किस प्रकार से मुक्त हो जाओगे? जब तक मृत्यु के चक्र पड़े हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे तो परे होने के लिए प्रयास है, इसके प्रयास में आपको उपासना करनी पड़ेगी। ये उपासना करोगे तो आप अति मृत्युत्व को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए कह रहे हैं अहोरात्रादि काल जगत प्रमा पवित्रता तस्य अतिकरणाय तारस मृत्यु रूप आदित्य का अतिक्रमण करने के लिए ही इदम साम उपासना उपदिषद है, यह साम उपासना का उपदेश दिया जा रहा है। अज करो आत्म संहितम अति मृत्यु सप्त विदगुण सामोपासित हिंगार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम आम निश्चय ही यह बतलाना उचित समझा जा रहा है कि आत्म संहितम अति मृत्यु अपने समान अक्षरों वाले मृत्यु के पारगामी सप्तविध साम की उपासना करें। आत्मसमित बने स्व समान अक्षर वाले, जैसे पाल पहले भी आपने उद्गीत इस नाम के अक्षरों की उपासना की, उद्गीता तीन भाग में विभक्त करके उसमें विभिन्न प्रकार के लोकादियों की दृष्टि की है, घी में भी था में भी और उपासना आपने किया था, उसी प्रकार अब नाम आपके पास केवल एक नहीं है ना, अब तो आपके पास कितने हैं? 7 नाम है। इन 7 नामों को आत्मसम्मित कर देना, स्व समानाक्षर दृष्टि करना है। तो कैसे करोगे? समानाक्षर वाले तो है नहीं सारे नाम, पहले वाला नाम हिम का र तीन है वहां तो है कि नहीं, दूसरे में आ दी दो ही है, 3 और 2 कैसे बराबर हो जाएगा काम? ये तो बनता नहीं। और प्रस्ताव है वहां तो 3 है, प्रस्ताव हिंकार और प्रस्ताव के साथ बन जाएगा गाड़ी चलेगी, और बाद में आएगा आदि और उद्गीत, आदि में 2 उद्गीत में 3 वो भी बनता नहीं। फिर प्रतिहार 4 है वहां, निधनम 3 है, कैसे करने बनेगा काम? उपद्रव भी 4 है, तो इसलिए कहते कि वे सब 3-3 अक्षर वाले समान तत्व आप बना नहीं सकते, फिर बनाया कैसे जाए? यही तरीका जान करके वैसे दृष्टि करने पर आत्मसम्मितत्वेन हमें दृष्टि करने पर जो है अति मृत्यु को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हिंगार विद्यक्षरम प्रस्ताव विद्यक्षरम, हिंगार में 3 अक्षर है, प्रस्ताव में 3 अक्षर है, यहां तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, बराबर हो गया, तत्सम बिल्कुल स्पष्ट है, कोई विवाद नहीं है। अत खल वनंतरम आदित्य मृत्यु विषय सामोपासनस्य आत्मसमितम, आदित्य जो कि पूर्व में क्या है मृत्यु रूप आदित्य उपासना थी, वो क्योंकि काल था सवेरे दोपहर शाम रात वगैरह लेकर के आपने उपासना किया है, तो
తాలావచ్చిన్ ఉషాకాసరే కరకే అస్తకాల పర్యంత కాలావచ్చిన్ ఆదిత్య కొలే కరకే ఆపనే ఉపాసన కియా ఓ మృత్యురూపీ ఆదిత్య కి ఉపాసన హుయీ ఔర్ అబ్ అతిమృత్యు ఉపాసన ఇసలే కర్నా జరూరీ హో గయా ఆదిత్య మృత్యు విషయ ఆదిత్యాత్తక్ మృత్యు విషయ ఐ సమజో ఆదిత్య రూపీ మృత్యు విషయ జో సామ్ కి ఉపాసనస్య ఆత్మస్న ఉసీ ఉపాసన కో బదల్ కర్కే ఆత్మసమితం స్వావయవ తుల్యతయా మితం స్వ అవయవగత సంఖ్యా కే బరాబర్ సంఖ్యా వాలే రూపేణ గ్రహణ కర్కే నాప దేనా హై పరమాత్మ తుల్యతయా వా అర ఆత్మ శబ్దార్ సీధా పరమాత్మ హై లే లో పరమాత్మ కే తుల్య రూపేణ జో ఇస్కో జో హై సమ్యక్ ప్రకరణ జ్ఞాన్ కర్ లేనా యా సమితం కర్తవ్య హై సమ్యక్ ప్రకరణ జ్ఞాతం సమితం पहला अर्थ नापना ये तीन है वो तीन है ये दो है वो चार है तो यहां से यहां ले आओ एक ले आओ तो तीन तीन बराबर हो जाएगा यानी इस प्रकार से व्यवस्था कर लेना है वो हो गया अक्षरों की गणना करके समानता ले आना उस सम्मितम का नापना अर्थ होगा और जब परमात्मा लोग आत्म शब्द से परमात्मा के तुल्य रूपेण अपने आप को जान लेना इति अतिमृत्यु मृत प्रत्येत मृत्यु के अत्यय का कारण होने से इसको अति मृत्यु रूप उपासना कहा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कहते जैसे पहले अध्याय में आपने किया यथा प्रथमे अध्याय उद्गीत भक्ति नामाक्षरण उद्गीत इति उपासित प्रोक्ता उद्गीत के अवयव के जो नाम है अक्षर है नामाक्षर है उद्गी और थ इनको लेकर के जिस प्रकार के आपने उपासित रूपतानी उपासी रूपेण कह दिया गया था तथा यहाँ पे सामना सप्त भक्ति नामाक्षर समाहृत त्रिवी त्रिवी सबया सामत्तम परिकल्प्य उपासित उच्चते ठीक उसी प्रकार से साम की जो सप्त विध अवयव हैं उन अवयवों के सप्त प्रकार के जो अवयव बने हुए हैं उन अवय विभागों के नाम का अक्षरों को लेकर समाहृत उनको लेकर क्या करना समारण करके तीन तीन में उसको विभाजन कर देना त्रिवी त्रिवी समतया समान रूपेण बिठा करके समा सामत्वम परिकल्प्य उनमें सामत्व की साधुत्व की समत्व की परिकल्पना करके उपासित चिंते उन्हीं को उपासित रूपेण कथन कर दिया गया है। तद उपासना अरे ऐसे उपासना करने से क्या लाभ है उस नाम का एक अक्षर लाया इस नाम में इसे जोड़ दिया बराबर कर दिया ऐसे तोड़ फोड़ करके इसे भी लाभ होता है क्या कहते हैं हाँ क्यों नहीं होगा मृत्यु गोचर अक्षर संख्या सामान्य न तम मृत्यु प्राप्य तद अतिरिक्त अक्षर तस्य आदित्य से मृत्यु अतिक्रमण यव संक्रमण कल्पयति होता क्या है मृत्यु विषय के जो अक्षर है ये सब नहीं हमने सातों को देखा सातों में आदित्य के विभिन्न रूप अनुगत है सातों नामों में आदित्य का परिच्छिन्न आदित्य स्वरूप अनुगत है अब इनको अपने सबको बराबर कर दो जो तीन 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 करोगे तो क्या सब बराबर हो गए लेकिन अक्षरों के आप गिनोगे ना 22 अक्षर तीन सप्ताह 21 ही बनेगा एक तो अलग रह गया तो इसलिए वो तीन तीन क्या हो गया मृत्यु विषय अक्षर संख्या सामान्य तीन तीन दिन बराबर है तम मृत्यु प्राप्य तार्श तृतावच्छिन्न सप्तत्व को प्राप्त करने के बाद तद अतिरिक्त अक्षर वो जब 22वां है तद अतिरिक्त अक्षर है इस एक को तीन के बराबर आप परिकल्पना कर लेते हो तद अतिरिक्त अक्षर तस्य आदित्य से मृत्यु रूपस्य अतिक्रमणाय एव उस अतिरिक्त एक अक्षर के माध्यम से आप क्या करेंगे वो मृत्यु रूप आदित्य का अतिक्रमण के लिए संक्रमणम कल्पयति संक्रमण की परिकल्पना किया जाता है इसलिए यहाँ पर अति मृत्यु सप्तविदम समुपासित अति मृत्यु सप्तविदम समुपासित मृत्यु अतिक्रांतम अतिरिक्ताक्षर संख्या इति अति मृत्यु इति पति कर दिया मृत्यु अतिक्रांतम इति मृत्यु समास है यहाँ मृत्यु कौन है और उसका अतिक्रमण कौन कर रहा है कहते मृत्यु रूप हो गया त्रक्षरावचन सप्त उससे अतिरिक्त अक्षर जो 22वां है उस संख्या के द्वारा अतिक्रम करता है इति अति मृत्यु साम ऐसे साम होने के कारण से इन सामों साम को हम क्या साप्त भक्ति साम को अति मृत्यु कहा जाता है इसलिए दृष्टि यह डालने के ऊपर है
एक ही चीज है। यह चीज में आप नामाक्षरों में आत्तुल्यत्व दृष्टि उपासना करोगे, मृत्यु को अतिक्रमण कर जाओगे। और ऐसा न करके केवल नामों में आदित्य व कालावच्छिन्न दृष्टि कर दोगे, मृत्यु का फल कोई प्राप्त कर देता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्य प्रतो भक्ति नामाक्षराणि हिंकारी चेत त्र्यक्षर तारशसाम का पहला अवयव का जो नामगत अक्षर की संख्या, नामाक्षर कौन है? हिंकार। और कितने हैं ये? इतने तो त्र्यक्षर, ये तीन अक्षर है। भक्ति नाम प्रस्ताव इति, और इसी प्रकार से अवयव का दूसरा नाम है प्रस्ताव। इति च भक्ति है, इस अवयव का भी त्र्यक्षर एव नाम, ये भी त्र्यक्षर वाला ही नाम है। इसे तत्पूर्वेण समम अतएव तृप्त संख्या कृत दोनों में समत्व आ जाता है। आदृति द्व्यक्षरम प्रतिहार इति चतुरक्षरम तत एकम तत् समम उद्गीथा इति त्र्यक्षरम उपद्रवित चतुरक्षरम त्रिविस त्रिविस समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते त्र्यक्षरम तत् समम निधरम इति त्र्यक्षरम तत् समम एव भवति तानि हवा एतानि द्वाविंशति अक्षराणि। कहते कि देखो आदि दो अक्षर वाला, प्रतिहार में तीन अक्षर है ना, इति चतुरक्षर, इस प्रकार से कोई चार अक्षर वाला है ना। अब वो चतुरक्षर में से क्या करना, ततः उस चार अक्षर में से एक अक्षर को निकाल दीजिए और यह इस आदि में जोड़ दीजिए एकम, तब क्या होगा, ये भी तीनों भी तीन बराबर हो गया। इसलिए कहेंगे प्रादिरिति त्र्यक्षरम तिहारेति त्र्यक्षर, प्र को वाले जाओ प्रादि बन जाएगा, प्र आ दि तीन हो गया, तिहार जे ले लेना तिहार जे तिहार, ये तो प्रतिहार का वयव है, तो ये जो है त्र्यक्षर बराबर हो गया, तीन तीन बराबर। सर से यहां भी आसानी से केवल एक को उधर से उधर लाने से काम चल गया, अगले में भी देखिए समस्या आ गई। उद्गीथा ये तीन अक्षर है, ओ प द्र व चार अक्षर, इतने अक्षर तीन तीन तो बराबर कर लो, बच गया कौन, व बच गया केवल, त्रिवि त्रिवि समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते, एक अक्षर बच गया व, उसको तीन के बराबर मान लो, व क्या हो गया तीन के बराबर मान लेना उसको, और निधरम भी तीन है, तीन तीन बराबर। इस एक में तीन की परिकल्पना करो, वह एक है उसे तीन कैसे देखोगे, कहते यहां पर वह से लेना परिकल्पना अवधातु जिससे ओम बनता है, अवधातु जिससे ओम बनता है वो वह से अलक्षित हो गया, और उस ओम में तीन अक्षर अब ओम, इसलिए इस वह को प्रकृति ओम का प्रकृति अवधातवे वो वकार को में तत्कार्यभूत त्र्यक्षर आप तक ओम को अभेद करता हुआ इस व में त्र्यक्षर माना गया, और उस तीन अक्षरों को निध न के तीन अक्षर के बराबर हो गए, अत्यव तीन 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 के तीन दुगुणा जोड़े हो गए कितने छह, तो कि कुल तीन कितना हो गया तीन गुणा छह, वहां भी तीन गुणा छह कर दिया था, बीच में तीन गुणा छह कर दिया और आगे भी तीन छह कर दिया, चौबीस हो गया। पर आप कह क्या रहे, तानी वा ये तानी द्वाविंशति अक्षराणि, बाईस अक्षर हो गए, इसीलिए इस व में जो तीन हमने अधिक परिकल्पना कर ले तीन है कर दी, एक को तीन रुपए ने जो ग्रहण कर दिया वह दो अधिक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वैसे देखने में चौबीस हो रहा है लेकिन वास्तव में है बाईस ही। अतएव कद एक विंशत्या आदित्यम आपनोति, एक विंशो वा इतो असौ आदित्य द्वाविंशेन परमादित्या जयति तन्नाकं तद्विशोकम्। इसलिए 21 अक्षरों के द्वारा आप आदित्य को प्राप्त कर लेते हो, 21 अक्षरों से 22 में से 21 अक्षरों से आप आदित्य भाव को प्राप्त कर सकते हो, और आदित्य भाव क्या है, मृत्यु है, और यहां से गिनोगे 21 भी है वो आदित्य, गिन के देखिए आप सूर्य जो है 21वें स्थान को प्राप्त कर जाता है, कैसे, आपके जीवन में 12 महीने होते हैं, 12 और 5 तो 6 नहीं लेना 5, क्योंकि 5 में एक दृष्टि किया था आपने,
पांच ऋतुओं शरद और हेमंत को एक करके पंच ऋतुओं का ही दृष्टि किया हुआ है, इसलिए 12 और 5 17 हो गया। 17 में जोड़ दीजिए उसके अंदर 3 जो लोक भूर्भुवस्व जिसको व्याप्त करके सूर्य की किरण जो है व्यवहार कर लेता है, अपने सबको ग्रहण कर ले रहा है, तो कितना हो गया 20 और एक ले लेंगे 21वां आदित्य स्वयं। इसलिए आदित्य यहां से जब चलेंगे काल और लोक से विशिष्ट होकर जब प्राप्त करोगे 21वां स्थान आदित्य का होता है। अरे 21 अक्षरों की साजिशता को लेकर के आप मृत्यु रूप आदित्य भाव को ही प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो वह जिसे लक्षित ओम जो कि अवमूल्यक्षरात्मक था, तो उसके माध्यम से क्या होगा, कहते हैं गाविंशेन आदित्यात परम जयति, आदि से जो पर है अर्थात मृत्यु से जो पर है उस अतिमृत्यु को जयति मैंने प्राप्त की करता। और वह अतिमृत्यु क्या है, नाकम, वही नाकम है, वह नाक है, वो नाकम मैने कम, कम मैने सुखम, न सुखम इति दुखम इति अकम, अकम मैने दुखम, न अकम इति नाकम, दुखम नास्ति एव नहीं तो यम धाड़ार्थम सुख रूपम एव इत्यर्थ नाक, अतएव विशोकम अतएव शोक रहते है ना। इसी को तो पूछा था नारद जी, शोक से पार मैं कैसे कर जाऊंगा, तो इसलिए वो कैसा है वो स्वरूप अतिवृत्ति रूप शोक रहित है, क्योंकि वो पूर्ण सुख रूप होने से स्वर्ग है, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, शोक रहित लोक को प्राप्त कर लिया। उपासना का फल है ये समझो, शुद्ध मोक्ष विशुद्ध मोक्ष की बात नहीं कर रहे, ये मोक्ष की बात नहीं है या इसका तात्पर्य, इसलिए लोक में आदित्य से भी परे जो शोक आदि से रहित सुख प्रदान लोक विशेष को प्राप्त करता है, मैंने ब्रह्म लोकों के अंतर्गत अनेक जो लोग हैं उनमें से किसी न किसी लोक को प्राप्त कर जाता है, जहां से उसको 3 दिशाएं मिलती है, वहीं हो सकता है जीवन मुक्त होकर मुक्त हो जाए, वहां उसको यदि यहाँ पड़ा हुआ ब्रह्म जो उपनिषद आदि का ज्ञान से काम कर जाए, कार्यक्रम अनुकूल बन कर गए, वहीं मुक्त हो सकता है, नहीं तो कल्पांतर में जाकर के देवादिभाव भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो पुनर्जन्म भी हो सकता है, योग भ्रष्ट बन करके जन्म ले लेगा, तद विशोक। आप देखिए भाष्य, आदिति द्व्यक्षरम सप्तविश सामना संख्या पूर्ण ओंकार आदिति उच्यते, देखो आगे ना मैंने कहा 122 प्रश्न बोलेंगे भाष्यकार इस बात को खुला करके, सप्तविश साम के अवयवों में संख्या का पूरण करने के लिए ओम जो लिया जाता है, ओम जो उच्चारण किया जाता है उसी का नाम आदि है, ओंकार आदिति उच्यते है, प्रत्याहार चतुरक्षर प्रत्याहार में 4 अक्षर है, तथा यह एकम अक्षर अविच्छिद्य अविच्छिद्य आद्यक्षर प्रक्षिप्त है, इसलिए इस 4 अक्षर से एक अक्षर को यहां से अवच्छिन्न करके अलग करके पृथक करके आद्यक्षर आदि का जो आद्यक्षर में आदि के अवयभूत 2 अक्षरों के साथ प्रक्षिप्त है, आदि अक्षर यदि आद्यक्षर आदो भव आद्यम नहीं कर देना, आद्यक्षर ऐसे नहीं, आदि रूपी जो नाम का 2 अक्षर जो हैं उसके साथ जोड़ देना है, तत्समेवती इस प्रकार करने से 3-3 बराबर हो जाएंगे, उद्गीत त्रक्षर उपद्रव चतुराक्षर त्रिवी त्रिवी समम भवती अक्षर अतिशिष्यते अतिरिच्यते, 3-3 को अगर बराबर तो हो गया उद्गी और था, और यहाँ पर भी आपका उपद्रव 3-3 बराबर हो गए, एक व बट गया अलग अक्षरम अतिशिष्यते, एक व रूपी अक्षर बच गया है अतिरिक्त रह गया है, तेन वैषम्य प्राप्त, इसके द्वारा ही सारा विषमता खड़ा है यहाँ, इसी कारण से विषमता खड़ा है, इसलिए कहते तेन वैषम्य प्राप्त सामनम समत्व करणाय आहा, साम्य विद्यमान जो समत्व रूप गुण को बनाने के लिए कहा, तद एकम सत अक्षरम इति त्र्यक्षरम एवावधि, एक अक्षर होते हुए भी 3 अक्षर के बराबर उसको मान लेना, अतः तत्सम, इसलिए उसमें भी तृत्व
पितृप समत्व आ जाता है। निद्रामिति त्र्यक्षरम तत्सममे भवति, वह उसके बराबर हुई ही है तीन तो। एवं त्र्यक्षर समतया सामत्वम संपाद्य, तीन अक्षर के समानता को समत्व को लेकर के सामत्व का संपादन कर दिया। यथा प्राप्तानि एव अक्षराणि संख्यायन्ते, और अब वैसे गिन लो सीधे सीधे, अभी यथा प्राप्त जो अक्षर संख्या है उसको गणना करके बता रहे हैं। यदि भी तीन तीन बराबर करते हुए हमने 24 कर दिया है, किंतु वास्तव में कितने हैं 22। ये तानि हवायतानि सप्त भक्ति नामाक्षराणि, सात अवयवों के नामाक्षरों का अंदर द्वाविंशति रेव 22 ही अक्षर हैं। वहां पर एक को तीन में परिकल्पना करता हुआ हमने 24 कर दिया था केवल, वह भी सामत्व को सिद्धि करने के लिए, तृतरूप आत्मतुल्यतात्मक सामत्व को सिद्ध करने के लिए ऐसे ले लिया गया है। और वही विषमता का भी कारण है, क्योंकि ओम ही परब्रह्म का भी आलंबन है, ओम ही अपर ब्रह्म का भी आलंबन है, यानी परापर उभय ब्रह्म स्वरूप ओम है, इसलिए परत दृष्टिया वह अवैषम्यता स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, अपरत दृष्टिया वैषम्यता के भी कारण बन जाता है। अनेक कारणों के माध्यम से यहाँ पर यदि भाष्यकार कुछ नहीं कह रहे हैं, किंतु परंपरा श्रुत है ये बात जो कह रहे हैं। तत्र एक विशिष्ट अक्षर संख्या या संख्या आदित्य मापनोति मृत्यु, उनमें से एक 21 अक्षरों का जो संख्या के साजिशता को लेकर बनी हुई थी, उसके माध्यम से आदित्यमेव मृत्युमेव आपनोति, आदित्य रूप मृत्यु को ही लोग प्राप्त कर लेते हैं। यस्माद् एकविंशितो अस्मात् लोका दशो आदित्य संख्या, इस लोक से गिन कर देखिएगा वह सूर्य जो है ना 21वीं संख्या वाला होकर प्राप्त हो जाता है, संख्या के माध्यम से 21वां वाला हो जाता है। कैसे? द्वादश मासः पंच ऋतवः त्रयमे लोकः असौ आदित्य एकविंशति श्रुतय है, क्योंकि 12 महीने पांच ऋतु तीन लोग मिलकर के 20 हो गया, और असौ आदित्य ये जो आदित्य है वह 21वां है, इस प्रकार से अन्यत्र श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है। अधिशिष्टेन द्वाविंशी अक्षरेण, और बचा हुआ जो अतिरिक्त अक्षर था जो 22वां, वह जो वो विशेष था, क्रमेण 22वां नहीं लेना, क्रम से 22वां तो निधनम के नम हो जाएगा, वो नहीं लेना क्रम के अनुसार, इसलिए अतिशिष्ट ने विशेषण दिया गया है, जो अतिशिष्ट है उसको 22वां रूपेण ग्रहण करना। अतिशिष्ट कौन था? वह जो ओम का कारणीभूत वस्तु है, ओम का प्रकृति है, उसको ही लेना। अतिशिष्टेन द्वाविंशी अक्षरेण परम मृत्यु आदित्य, वह मृत्यु रूपा जो आदित्य है उससे परम जयति, मैंने उससे पर तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। वह आदित्य से भी पर कौन है? ब्रह्मलोक आदि है। यच्च तद आदित्य परम किम तत्, वह जो आदित्य से पर में है वह है क्या? कहते नाकम कम इति सुख तस्य प्रतिषेध अकम तन न भवति इति नाकम कम एव इत्य, स्पष्ट कर देना वाचिका, कम मने सुगम, उसका प्रच्छेद करने का नाम अकम, मैंने सुख का प्रच्छेद करके मतलब क्या है? दुख का रूपम हो गया, वह नहीं है जहां तन न भवती इति नाकम, अर्थात कम एव इत्यर्थः, सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, वहां मृत्यु विषयता दुखस्य, क्योंकि मृत्यु विषय ही दुख होता है, दुख का उपभोग मृत्यु अर्थात आदित्य के अधीन होकर काल से परिच्छिन्न जो व्यक्ति है वही व्यक्ति को दुख का अनुभव होता है, जो काल से परे हो गया उसको तो दुख का नाम नहीं रहेगा, अमानव पुरुष बन जाता है। विशोकम चेतत विगत शोकम इति, विशोकम चेतत और विशोक रूप भी है अर्थात विगत शोक वाला है, मानस दुख रहित मित्र, मानस दुख से वो रहित है, तत आपनोति उसे वह प्राप्त कर लेता है। उक्त से पंडितार्थ महा, उक्त सारे बातों को संग्रहित करते हुए पिंडीभूत करता हुआ उसके तात्पर्य को कथन करने अगला मंत्र आरंभ होता है। आपनोत्य आदित्यस्य जयम परोह अस्य आदित्य जयात जयो भवति यतद्देव विद्वान आत्मसंमितं अतिमृत्यु सप्तविदगं समुपास्ते सामोपास्ते। यहाँ पर अशुद्ध पाठ मूल मंत्र में ही छपाया नहीं है इन्होंने, विद्वान आत्मसंमित मति मृत्यु, सम्मितम मति मृत्यु ना, ये मति नहीं है बीच में, सम्मितम अति मृत्यु है ना,
मति निकलनी है, वो कहां से निकली? पूरा मति लिख दो ना, मति लिख दो तो अपना वो मृत्यु बच गया, संमिता मृत्यु, बीच में मति जोड़ दो, जो मति जोड़ेगा उसके मकार पीछे से जुड़ जाएगा, संमितम और अति मृत्यु बन जाएगा। तो के बाद मृत्यु से पहले मति लिखना। आप्रत्य आदित्य से जयम, कहते हैं आदित्य लोग की जय तो प्राप्त करता ही है, और 22वें अक्षर से उस आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय को प्राप्त कर लेता है। आप्रत्य आदित्य से जयम परोस्य आदित्य जयाद भी जय भवत, इस आदित्य से भी जो पर उससे भी उत्कृष्ट उस तत्व को भी वह जीत लेता है। ये देवम जो को भी विद्वान, जो यह विद्वान एतत् साम एवं प्रकारेण आत्मसमितत्वेन उपास्ते अतिमृत्युआत्मक सप्तविधगम सा उपास्ते अतिमृत्यु संज्ञा विशिष्ट आत्मसमितत्व दृष्टि से यह सप्तविध साम की उपासना करता है, जो ऐसे साम की उपासना करता है। इस प्रकार से उपासना की समाप्ति के लिए दिराधर उच्चारण कर दिया गया और सप्तविध साम उपासना के लिए प्रकरण समाप्त हो जाता है। सप्तविध उपासना थे ना, सप्तविध साम उपासना की प्रकरण समाप्त। अच्छा, फिर अब साम विशेष, ये सब बातें जो हुई थी पंचविध साम और सप्तविध सामों का सामान्य कथा, और अब साम विशेष गायत्री साम, अमुक साम, अमुक साम करके अलग अलग सामों को लेकर के सीधे विचार किया जाएगा। उक्त श्री पंडितार्थ महा एक विंशति संख्या आदित्य से जय प्राप्त, 21 संख्या वाला इस आत्म समित अक्षरों के माध्यम से आदित्य को जय प्राप्त कर लेगा। परोह मैंने आदित्य भाव को ही प्राप्त कर जाएगा। परोहस्य एवं विदह, इस प्रकार के उपासक का परो मन आदित्य ज्ञात मृत्यु को चला भी परो आदित्य का जय मने मृत्यु का विषय से भी वह पर हो जाता है, उससे जयो भवती दानश्यति अक्षर संख्या 22वें अक्षर के माध्यम से ये तद्यविद्वार इत्यादिक्तार्थम बाकी जो मंत्रार्थ बारंबार आया हुआ है सुस्पष्ट है। तस्य यथोक्तम फलम, वह जो है ना यथोक्त फल यहाँ पर भी समझ लेना, स्पष्ट ही है अतिवृत्ति को प्राप्त कर गया, जो ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त कर लेता है, जो वही यहाँ पर इस मुख्य फल है समझो। दुरभ्यास साप्त विधि साप्त विध्य समाप्त करते सात सात अवयवों वाले सप्त विध जो सामों का जो विचार था उसकी समाप्ति का अद्योतन करने के लिए दो बार पाठ हुआ, सामोपास थे।